तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरी न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाले हो कि अगर आपको MS Player में टास्क सेंटर का और ये ऑप्शन जैसे देख सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे पैसे जीतने का मौका मिलता है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको ऐसे ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, आपके भाई की मदद कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइब करके दे दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को अपडेट कर देना है, MS Player ऐप को जैसे आप अपडेट कर दोगे प्ले स्टोर से, आपको जो है ये टास्क सेंटर का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। अगर नहीं दिखाई देता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको टास्क सेंटर दिखता कैसे है वो बता देता हूँ। टास्क सेंटर जैसे आप जाओगे एक्टिविटी में आपको टास्क सेंटर दिख जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। टास्क सेंटर जैसे आप क्लिक करोगे जैसे देख सकते हो ये आपको पॉइंट कलेक्ट करते रहना है। पॉइंट जैसे आप कलेक्ट करते रहोगे तो ये आपको इसका पॉइंट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। जैसे देख सकते हो अगर मैं 7 बार गेम्स खेलता हूँ तो मुझे 1 रुपया मिलेगा, साथ में कॉइन्स भी मिलेगा। 10 बार खेलता हूँ तो भी मुझे 1 रुपया मिलेगा। माइलस्टोन गेम खेलता हूँ, माइलस्टोन गेम मीन्स कि दोस्तों जो आपको विन करके एक बैनर आता है तो वो अगर आप खेलते हो माइलस्टोन गेम से कहते हैं। तो इधर नहीं दिखा रहा है अभी, जब दिखाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। और फ्री बैटल गेम, बैटल गेम मीन्स X0 का जो गेम होता है वो वाला बैटल गेम। और दूसरे गेम मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या ऑप्शन है इसमें। टॉप 3 में 30% में रहना है, यानी आपको 30 रैंक के अंदर तक रहना है। रैंक जो होता है हर गेम में वो रैंक 30 रैंक के अंदर तक रहना है, तो आपको ये 30% काउंट होगा। जैसे देख सकते हो गाइस ऐसे ही आपको कलेक्ट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो चलो सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना और बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है MS Player में, तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दूँगा।